सत श्री अकाल जी सारियां नूं, मैं कमल, स्वागत है थोड़ा अपने चैनल कमल्स होमली रेसिपीज़ च। आज मैं थोड़े नाल शेयर करन लगी हाँ चुकंदर दे परौंठे दी बहुत ही वधिया रेसिपी। बहुत ही सेहतमंद यह परौंठा बन के तैयार हुंदा है। इसनूं मैं भर के बनाया है, तो आओ मिल के शुरू करते हाँ चुकंदर दा परौंठा बनाना। तो जे थानू रेसिपी पसंद आवे तो इनू अपनी फैमिली ते फ्रेंड्स दे नाल शेयर जरूर करो। तो जे तुसी मेरे आ चैनल ते नए हो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ सबसक्राइब जरूर करो, मैनू सपोर्ट करो, मैनू मेरे चैनल नू ग्रो करनू हेल्प करो। इत्थे मेरे कोल हैगे आ दो चुकंदर, मीडियम साइज़ दे चुकंदर लए आ मैं। इनू पाओ प्रेशर कुकर दे विच, क्योंकि आपां नू इनू बॉयल करना है। तो हुण पाओ इहदे विच पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पाउणा है, बस उन्ना की पाओ जिन्ने चुकंदर डुब जाण। उस तो बाद आपां इहदा ढक्कण लगा देवांगे, तो उस तो बाद इनू गैस पर चढ़ा देवांगे। तो गैस पर चढ़ाउण तो बाद आपां इनू 3 सीटी वजण तक पका लवांगे। बहुत ज़्यादा कुक करके आपां ने इन्हां नू गलाउणा नहीं है, बस बॉयल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो उस तो बाद जब कुकर अपने आप ठंडा हो जाए तो इनू आपां खोल लवांगे। फिर कड़छी या चिमटे की हेल्प दे नाल चुकंदर नू गर्म पानी चो कढ लो और पूरी तरह नाल ठंडा कर लो। हुण चुकंदर नू आपां चाकू की हेल्प दे नाल एवें छिल लवांगे। चुकंदर या बीटरूट आपां एवें तां सलाद च वी खा सकते हैं, पर बच्चे कई बार सलाद च या जूस कट के दो तां नहीं खाणा या पीना पसंद करते। तुसी इस तरीके नाल उन्हां नू बॉयल करके आटे विच रला के बहुत वधिया परौंठे बना के खिला सकते हो। सेहतमंद बनता है बहुत परौंठा ये। तो हुण इहनू मैं कट के मिक्सर जार विच पा दिता है। तो मैं दोनों हुण पा दित्तियां मिक्सर जार विच। थोड़ा जिहा पानी पाओ, बहुत ज़्यादा नहीं। हुण इहनू आपां एक फाइन प्यूरी तैयार कर लवांगे। आ देखो बहुत ही वधिया प्यूरी बन के अपनी तैयार हुई है। इत्थे मैं लए हाँ 2.5 कप कणक दे आटे दे, उहदे विच पाओ लूण। उस तो बाद जवैण नू इस तरह हथ नाल रगड़ के आपां आटे विच पा देवांगे। उस तो बाद इच मैं पाया थोड़ा जिहा तेल या घिओ पाओ। इहदे नाल परौंठे अपने बहुत नरम बन के तैयार होणगे। हुण सारियां चीज़ां नू आपां पहलां एक बार मिला लवांगे। उस तो बाद जो आपां चुकंदर दी प्यूरी तैयार करके रखी आ उहनू आटे विच पावांगे। आपां नू हुण इह प्यूरी दे नाल ही आटे नू गुन्नणा है। तां पहलां मैं अद्धी पाई आ, पूरी नहीं पाई। उस तो बाद मिक्स करांगे। फिर उस तो बाद जिहड़ी अपनी बाकी बची हुई प्यूरी आ उह पा के फिर आपां आटे नू बहुत ही नरम जिहा गुन्न लवांगे। आटा ध्यान रखियो बहुत नरम होना चाहिए है, क्योंकि आपां इहनू भर के बनाउण वाले हाँ। तो जे आटा कैड़ा जिहा गुन्निया रहेगा तो उन्हें अपने भरवां परौंठे बहुत वधिया नहीं बनणगे। तो देखो हुण आटा मैं बहुत वधिया ते गुन्न लिया है। इहनू ढक के थोड़ी देर दे लिए 15 मिनट दे लिए रेस्ट दे लिए रख दो। तो उन्नी देर तक आपां तैयार करते हाँ इहदी स्टफिंग। इत्थे मैं पनीर लिता है, 1 कौली पनीर दी है। उहदे विच पाया है मैं भुन्निया होया पिसिया होया जीरा। उस तो बाद इहदे विच पाया मैं 1 चमचा आमचूर पाउडर और स्वाद के अनुसार इहदे विच काला लूण पा दो और 1/2 चम्मच मैं पाया है गर्म मसाले का। उस तो बाद थोड़ी जी जवैन नूं इस तरह हाथ विच रगड़ के थोड़ी जी पा दो। उस तो बाद इहदे विच पावांगे आपां 1 मीडियम साइज़ का प्याज बरीक कट्टिया होया। उस तो बाद 1 या 2 मिर्च हरी वाली वह बरीक कट के वह पा दो। ज़्यादा भी पा सकते हो जिवें सानूं टेस्ट पसंद होवे। उस तो बाद पाओ हरा धनिया ते 1 छोटा टुकड़ा एवें आधे दा आपां ग्रेट करके पा देवांगे। जे तुहाडे कोल पीसिया होया अदरक है तां वह भी पा सकते हो। हुण इहनू चंगी तरह चमचे दे नाल इस तरह दबा दबा के आपां इहनू मिक्स कर लवांगे सारियां चीज़ां नूं। स्टफिंग तुसी आपदे तरीके नाल भी बना सकते हो, जिहड़े तुहानू मसाले पसंद होण सुके वह भी पा सकते हो। तो हुण अपनी स्टफिंग बन के बिल्कुल तैयार है। इधर आटा भी अपना चंगी तरह रेस्ट हो चुकिया है। इनू फिर आपां एक बार हल्का जिहा गुन्न लवांगे। इस तो बाद हाथ च सुक्का आटा लगा के इहदा एक पेड़ा आपां एवें कढ़ांगे। उस तो बाद सुक्का आटा लगा के पहलां एवें हाथ नाल थोड़ा जिहा बधा लवांगे आपां पेड़े नूं। उस तो बाद इहदे विच रखांगे आपां स्टफिंग जो आपां तैयार करके रखी आ।
2 to 3 चमचे स्टफिंग दे आराम ते पै जाने हैं। तो उस तो बाद आपां इनू अच्छी तरह फोल्ड करके इनू बंद कर लवांगे कुछ इस तरीके दे नाल। तो देखो बहुत वधिया ते इस तरह स्टफिंग इहदी स्टफ हो जाएगी। हुण इस तो बाद इनू थोड़ा जिहा आपां हथ नाल प्रेस जरूर कर दिओ ताकि स्टफिंग अच्छी तरह विच फिक्स जी हो जाए। उस तो बाद सुक्का आटा लगा के आपां इनू चंगी तरह बेल लवांगे। बहुत ही सेहतमंद परौंठा बन के तैयार होता है। गोभी मूली आलू के तो परौंठे आप खाने ही रहने। एक बार तुम आह रेसिपी जरूर ट्राई करो, बहुत ही सूँ वधिया लगेगी एंड बहुत टेस्टी लगेगी। तो देखो परौंठा मैं बहुत वधिया तो वेल लिता है। तो इनू हूँ पाओ गर्म तवे के उपर जिन्हों मैं ग्रीस करके रख्या होया सी तेल नाल। हूँ 2-3 बार उलट पलट करते हुए तेल या घी लगाते हुए आप इनू वधिया तो सेक लवेंगे। तुसी जे तेल या घी नहीं लगाना चाहते तो इन्हें रोटी की तरह भी बना सकते हो, तो यह होर ज़्यादा सेहतमंद हो जाएगा बगैर तेल की लगे। तो देखो हुण परौंठा मैं बहुत वधिया ते सेक लिता है। उस तो बाद इनू आपां करांगे सर्व। इनू गर्मा गर्म मैं सर्व किया है दही दे नाल। उहदे उपर तुसी कोई मसाला या काली मिर्च बुरक लो या मखड़ी दे नाल या जो भी तुहानू पसंद होवे नाल परौंठे दे खाओ। जरूर ट्राई करो ये रेसिपी, जो पसंद आवे तो इन आपकी फैमिली ते फ्रेंड्स नाल शेयर जरूर करो। बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा मेरा वीडियो देखने के लिए।